अस्सलाम वालेकुम। ये करोला GLI है, इसकी चेक लाइट आ रही थी, फ़ैन इसका रेडिएटर का नहीं चल रहा था, फ्यूज़ बार बार जला लेती थी, गाड़ी की स्टार्टिंग लंबी थी और चलते हुए गाड़ी झटके मार रही थी। इसमें वायरिंग हमने खोली है, वायरिंग इसकी शॉर्ट थी। इसके एक एक सेंसर की वायरिंग चेक कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जहाँ से तारें डैमेज है वहाँ पे तारें हमने नहीं डाली हैं इसमें, जहाँ पे जो भी सेंसर ख़राब था, ग्रिप ख़राब था, वो चेंज कर दी है। ये कंप्यूटर का ग्रिप है, कंप्यूटर्स तक हमने वायरिंग बाहर निकाली हुई है, अंदर से डैशबोर्ड खोलकर ये वायरिंग निकाली है हमने, अंदर से भी वायरिंग सारी चेक की है, फ्यूज़ बक्से की वायरिंग शॉर्ट थी वो भी चेक की है। ये सारी वायरिंग इसकी सेट करेंगे, टेपिंग करके प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। फिर इसको अच्छी तरह से टेप करके मुकम्मल प्रॉपर तरीके से ग्रिप टू ग्रिप लगाकर गाड़ी को ओके करेंगे। अच्छी तरह से टेपे करेंगे ताकि दोबारा कोई जोड़ लूज ना रह जाए, जोड़ भी अच्छी तरह से लगाने होंगे। ये डैशबोर्ड इसका बाहर निकाला हुआ है, यहाँ से वायरिंग वहाँ पे लेकर गए थे, जो वायर हम सेटिंग कर रहे थे सारी वायरिंग वहाँ निकाली हुई है। वायरिंग सेट करके हम डैशबोर्ड फिट कर रहे हैं, सारी फिटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये बाहर से भी फिटिंग कंप्लीट कर ली है, मुकम्मल गाड़ी की वायरिंग सेट कर ली है, सारी वायरिंग को टेप करके जोड़ अच्छी तरह प्रॉपर लगा के मुकम्मल कर ली है। अब इसे चेक करते हैं स्टार्ट करके। ये हमने स्टार्ट की हुई है, ये सारी लाइटें पूरी आ रही हैं, गाड़ी स्टार्ट है, ट्राई लेके हमने चेक कर ली है, गाड़ी का RPM भी ठीक है, एक्सीलेटर भी ठीक ले रही है, कोई झटका नहीं है, ओके है।